इसरो के अब तक के इतिहास में पूरे 12 मिशन असफल हो चुके हैं। 19 अप्रैल 1975 को इसरो की ओर से भारत का पहला सैटेलाइट मिशन आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया। इस मिशन के बाद इसरो के अब तक कुल 12 मिशन असफल हो चुके हैं। इसरो को करीब 2164 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन फिर इसरो अपने सैटेलाइट्स के लिए इंश्योरेंस नहीं कराता, जबकि विदेशों में इस तरह के मिशन के लिए इंश्योरेंस करवाया जाता है ताकि मिशन असफल होने की शक्ल में नुकसान की भरपाई हो सके। आपकी जानकारी को बताते चलें कि इनसैट 4C पर भी करीब 256 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा था। इसी तरह बाकी के 3 असफल मिशन पर IRNSS 1H 280 करोड़, GSAT 5P 325 करोड़ और GSAT 4 पर भी 325 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसरो अपने सैटेलाइट्स का इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाता है? असफल होने की सूरत में होता है भारी भरकम नुकसान। 12 असफल प्रोजेक्ट्स के बाद अब चंद्रयान 3 के लिए इसरो इंश्योरेंस के बारे में विचार कर रहा है, लेकिन पहले किए गए प्रक्षेपण के लिए इसरो ने पूरे कॉस्ट की लागत बढ़ने के डर से इंश्योरेंस ना लेने का विचार किया था। चंद्रयान 2 की बात करें तो इसकी कुल लागत 978 करोड़ रुपए थी। अगर इसरो इसमें इंश्योरेंस की लागत भी जोड़ देता तो ये इसकी कास्टिंग बढ़कर 1100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती, क्योंकि इंश्योरेंस का प्रीमियम कुल लागत की 20-25% होता है। इसलिए इसरो ने इंश्योरेंस ना लेना ही उचित समझा। लेकिन अब लगातार असफलता के बाद इसरो को लग रहा है कि प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस करा लेना ही समझदारी है। सरकारी बीमा कंपनी करती है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ना लेने की एक और बड़ी वजह यह भी है कि भारत में इस तरह के मिशन और प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस केवल सरकारी बीमा कंपनी की ओर से ही होता है। ऐसे में अगर मिशन फेल हो जाता है तो इंश्योरेंस का पैसा सरकारी कंपनी को ही देना पड़ेगा, लिहाजा प्रोजेक्ट का कॉस्ट तो सरकार भर ही रही है। और अगर मिशन फेल हुआ तो कॉस्ट के साथ साथ 25% अतिरिक्त खर्च भी सरकार की जेब से ही जाएगा।